नमस्ते मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इंडियन इकनॉमी जो है जो कि यूपीएससी या फिर बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स पढ़ने से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं तो ये टॉपिक्स कौन से हैं ये जानने के लिए ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया है तो आइए इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक्स है फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन कौन से होने चाहिए ये हम देख लेते हैं इकनॉमी इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक्स है वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम ऊपर ऊपर एक उसका एट ग्लांस देख लेंगे सब कुछ जो जो टॉपिक्स है वो तो इंडियन इकोनॉमी में हम जो टॉपिक्स हमें स्टडी करने चाहिए वो है प्लानिंग और नीति आयोग उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग ये पूरे टॉपिक्स और डिटेल में हमें देखने हैं तो आगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ मनी और बैंकिंग पढ़ना ज़रूरी है पब्लिक फाइनेंस यहाँ ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी उसका मीनिंग फीचर और बेसिक्स ज़रूरी है नेशनल इनकम ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट ज़रूरी है पॉवर्टी हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म जिनको एल कहा जाता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये पढ़ना जरूरी है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन्फ्लेशन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इतने हमें टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने चाहिए और ये टॉपिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम स्कोर करेंगे इंडियन इकोनॉमी में चलिए इन टॉपिक्स को डिटेल में देख लेते हैं ये टॉपिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं तो जितने भी टॉपिक्स हैं सब सब टॉपिक्स 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 वो भी हम इन यही इनके अंदर जो सब आते हैं उन्हें स्टडी करने की कोशिश करते हैं प्लानिंग की अगर हम बात करें जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था उसमें हमें प्लानिंग इन इंडिया विश्वेश्वरैया प्लान उसके साथ साथ एफ -सी -सी प्लान कहा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देर जैसे विश्वेश्वर एफ कांग्रेस प्लान बॉम्बे प्लान गांधीयन प्लान पीपल्स प्लान उसके बाद सर्वोदया प्लान पी प्लानिंग कमीशन उसके बाद बनता है प्लानिंग कमीशन बनने के बाद फाइव ईयर प्लान्स बनने लगे तो जितने भी फाइव ईयर प्लान्स बने उन सबको स्टडी आपको करना है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट शॉर्ट शॉर्ट में स्टडी करना है मेजर चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी को वो प्लानिंग करके क्या अचीव किया है हमने अचीवमेंट्स क्या है प्लानिंग के वो फंक्शन एंड मैंडेट ऑफ नीति आयोग फिर धीरे धीरे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर गया नीति आयोग तो नीति आयोग में क्या फंक्शन है और उसके क्या मैंडेट है ये स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग क्या होता है चैलेंजेस क्या है है ना इश्यूज क्या है रिलेटेड टू नीति आयोग और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है जिस बेसिस पे नीति आयोग काम करता है तो प्लानिंग ये जो टॉपिक है इसमें हमें इतने टॉपिक स्टडी करना ज़रूरी होता है नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जो हमें पढ़ना है वो है मनी एंड बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स उसके साथ साथ फाइनेंशियल सिस्टम का क्लासिफिकेशन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और मनी मार्केट मनी मार्केट जो हम देखते हैं जैसे कि कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी उसके अलावा क्वांटिटी ऑफ मनी मनी मल्टीप्लायर स्टॉक ऑफ मनी इतने हमें टॉपिक्स यहाँ पे देखने होते हैं रिजर्व मनी क्या होता है नैरो मनी नियर मनी हार्ड मनी सॉफ्ट मनी फी मनी हॉट मनी इतने टाइप ऑफ जो मनी है इनको भी स्टडी करना हमें होता है मनी मार्केट में रिलेटेड इतनी चीज़ें और बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ मनी से हमें देखने मिलते हैं वो उसके साथ साथ पी जिसको हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम एम आर मिनिमम मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हम स्टडी करेंगे लीगल टेंडर को हमें पढ़ना होता है करेंसी नोट की प्रिंटिंग डीमोनेटाइजेशन करेंसी नोट्स जिनको हम बैंक नोट्स कहते हैं उन्हें स्टडी करना होता है करेंसी रिजर्व करेंसी क्या होती है क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ में रहा है क्रिप्टो करेंसी को भी हमें पढ़ना होता है क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा एन पी जिसको हम कहते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर को तो पढ़ना ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है उसके बाद कुछ क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है है ना तो मनी और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें क्वान्टिट्यूटी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बैंक रेट क्या होता है रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट है ना उसके अलावा ओपन रिजर्व रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन और सी और एस पढ़ना होता है उसके अलावा हमें कैश रिजर्व रेशोज़ को पढ़ना होता है कैश रिजर्व रेशो सी आर आर और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो लिक्विडिटी रेशो जिसे हम कहते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो रेशो को हम कहते हैं एस एल आर तो सी आर आर और एस एल आर हमें यहाँ पढ़ना होगा उसके अलावा हम आते हैं ये जो थे ये क्वान्टिटिव हमने कहा इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके बाद क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन गाइडलाइंस इन चीज़ों से रिलेटेड क्या होती है उसके साथ साथ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मॉरल सिचुएशन क्या होता है डायरेक्ट एक्शन ये चीज़ें भी हमें पढ़नी होती है उसके अलावा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक बनी है वो मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट क्या होती है ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ़ बैंकिंग कमर्शियल बैंक जिसमें शेड्यूल बैंक हम पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया ये एक टॉपिक है बैंकिंग से रिलेटेड जिसमें नाबार्ड को स्टडी करना होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक जिसको सिड भी कहते हैं उन्हें स्टडी करना होगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई पी एस आई एफ सी आई इसको स्टडी करना होगा एक्जिम बैंक जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक उसके अलावा मुद्रा बैंक ये हो गया सब बैंकिंग और स्टडी अब अब करना होता है कुछ अलावा बैंक एनबीएफसी के अलावा हम स्मॉल को स्टडी करते हैं पेमेंट बैंक उसके अलावा एनपीए क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसिड्स रेशियो सी आर ए आर बेसल अकाउट जिसमें बेसल वन बेसल टू और बेसल थ्री इनको स्टडी करते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट ये जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं उनके जो है यानी अकाउंट है या फिर फॉरेन करेंसी है वो चीज़ों से रिलेटेड और एन आर आई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो बाहर उनके अकाउंट है बाहर के अकाउंट है वो लोग एन आर ई अकाउंट कहा जाता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट एन आर ओ अकाउंट जिन्हें कहा जाता है इन्हें भी आपको स्टडी करना होगा उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इज़ पब्लिक फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस में फिस्कल पॉलिसी क्या होती है रिलेटेड टू फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी उसके मीनिंग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नमेंट के तीन तरह के फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया उसके बाद गवर्नमेंट रिसीप्ट जिसमें रेवेन्यू रिसीप्ट टैक्स रिसिप्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस में हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसके अलावा एस टी टी दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दो तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिसिट में हम पढ़ते हैं बजेटरी डेफिसिट और उसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट डेफिसिट फाइनेंसिंग ये हमें पढ़ना होगा बजट बजट में फुल बजट वोट एंड अकाउंट ये दो हम स्टडी करते हैं जीरो बेस बजटिंग बैलेंस बजट जेंडर बजटिंग रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट आउटकम बजट एफ आर बी एम एक्ट ये एक एक्ट है जिसे हमें स्टडी करना होता है उसके अलावा एफ़ आर बी एम रिव्यू कमेटी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर गोल्डन रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस जिसमें फोटीनथ फाइनेंस कमीशन और फिफ्टीथ फाइनेंस कमीशन को हम स्टडी करेंगे इसमें इसके बाद है ना तो गोल्डन रूल ऑफ़ फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस ये कुछ एक रूल है जिसे स्टडी करना होता है हमें वो स्टडी करना जरूरी है उसके अलावा फोटीनथ और फिफ्टीनथ फाइनेंस कमीशन उसके बाद इंडियन इकनॉमी में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है स्कायर क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो को आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम जो भी पढ़ते हैं ज़्यादातर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है माइक्रो की सिर्फ आइडिया लेने माइक्रो के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत रेयर होते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जिसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी ये कुछ हमें स्टडी करने होते हैं उसके अलावा साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसमें मिक्सड इकोनॉमी क्या होती है इंडिया के इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी उसके फीचर है ये ओवर पॉपुलेशन है हमारे यहाँ ये अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इकोनॉमी के में कुछ कमियाँ हैं या फिर जो भी हमें आगे उसे ठीक करना है ये चीज़ें और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ना होता है उसके बाद हम नेशनल इनकम आते हैं इंडिया के जिसमें हम पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है जीएनपी जीडीपी एनएनपी ये कंसेप्ट है उसके अलावा नेशनल इनकम जिसमें पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजल जेबल इनकम ये हो गया और मेथड्स कैसे हैं नेशनल इनकम को कहीं ना कहीं मेजर करने की वो प्रोडक्शन मेथड है इनकम मेथड है कंजम्पन मेथड है ये उसके अलावा एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी चीज़ों से पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके इंडिकेटर्स क्या है ये हमें स्टडी करना होता है उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है डेफिनेशन क्या है उसकी कंसेप्ट क्या होता है उसमें चार पिलर्स जो होते हैं वो अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच जिसे कहते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के इंडिया का जो रैंक है वो एच में बहुत अच्छे से इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है इसके पीछे के रीजन इन एडजस्टेड एच है ना जिसको आई आई कहा जाता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज जी डी आई उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स एम पी आई और जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स इन्हें हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टडी करना होता है नेक्स्ट हम जब पॉवर्टी पे आते हैं तो हमें कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी जिसमें टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ना होता है हाउ टू मेजर पॉवर्टी डायमेंशनस ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन क्या होती है है ना हाउ पावर्टी एस्टिमेटेड इन इंडिया इंडिया में किस तरह से पॉवर्टी को है ना तो ये क्या होता है कैसी होती है ये पूरे हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है वर्ल्ड बैंक बैंक किस तरह से पॉवर्टी को कैलकुलेट करता है और पॉवर्टी और डेवलपमेंट में क्या लिंकेज है इन दोनों के बीच में ये इंडिया में पॉवर्टी के पीछे के कॉजेस क्या हैं पॉवर्टी एलिवेशन जो इसके प्रोग्राम्स क्या हैं पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो इंडिया में फेल क्यों हो गए हैं ये और क्या करना चाहिए जिससे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है ये और इम्प्रूव हो सके इनक्वालिटी क्या होता है लॉरेंस कर्व को हमें स्टडी करना होता है गिनी को इफिक्शन इन्हों हमें स्टडी करना होता है ये है पावर्टी के कुछ टॉपिक्स जिन्हें हम पढ़े पढ़ते हैं यह हमें पढ़ना होता है नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में हमें जो पढ़ना है वो है मेजर कैसे किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन से रीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉयमेंट फिलिप्स कप लॉरेंस कफ गिनी को इफिशियंट कुनेट्स कफ उसके बाद सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स है ना मेजरमेंट ऑफ लेबर फोर्स को मेजर कैसे जाए मेजर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसमें एलपीजी जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन उसका बैकग्राउंड है ना 1985 से 90 के बीच में क्या प्रॉब्लम्स चले और रिफॉर्म्स क्या लाए गए नाइनटीन के इकोनॉमिक क्राइसिस उसका बैकग्राउंड है ना रिफॉर्म क्या लाया गया वो और नए जो मेजर्स थे वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की रिफॉर्म्स का इंपैक्ट क्या हुआ लिमिटेशन क्या थे ब्रॉड इंडिकेटर्स सेक्टोरियल शेयर इन जी उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन सेक्टर्स इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म ऑन पॉवर्टी और इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसमें एल हम कहते हैं उसमें स्टडी करना होता है नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हमें स्टडी करना है उसमें देखना होता है कि फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर कैसे डेवलप किया एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन इन दोनों को देखना होता है उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स क्या लाए गए एग्रीरियन सेक्टर्स में जैसे कि 51 से 68 के बीच में क्या लाया गया जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले का फेज़ कहा जाता है उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग का फेज़ 68 से 81 का माना जाता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन खत्म हो जाने का एटी वन से नाइन्टी तक का टाइम किस तरह से चला ये तीन फेजेस को स्टडी करना था लैंड टेन्यर सिस्टम मेजर लैंड रिफॉर्म्स टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लैंड रिफॉर्म्स कौन से लिए गए इंडिपेंडेंस के बाद बेसिक टर्म्स लैंड यूज को लेके क्रॉपिंग सीजनस एग्रीकल्चरल इनप्यूट्स पब्लिक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके अलावा डब्ल्यू एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ना होता है टर्म्स रिलेटेड टू लैंड यूटिलाइजेशन एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके अलावा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस सी ए ई नाम करके जो है वो ए ऑपरेशन फ्लड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ऑपरेशन ग्रीन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ऑपरेशनल होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हाई हिल्डिंग वेराइटीज एच वाई वी कहा जाता है उसके बाद इंडस्ट्री को हम स्टडी करते हैं और इंडस्ट्री में आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 47 से 90 तक कैसा हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 का उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का जिसे आईपीआर 1956 भी कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर का रोल क्या ला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग उसके साथ साथ कंट्रोल रिजाइम एंड कॉन्सिक्वेंसेस ये लोकेशन डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रीजनल बैलेंस ये चीज़ें हमें पढ़ना होता है उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री के बाद इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन में बड़े प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इन्फ्लेशन को लेके लो इन्फ्लेशन के क्या बेनिफिट्स हैं है ना इन्फ्लेशन uh, को मेजर कैसे किया जाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन क्रिपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन स्टैकफ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन इतने तरह के ये महंगाई से रिलेटेड इन्फ्लेशन है ना कोर इन्फ्लेशन फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए वॉट वॉट आर द मेजर्स टेकन बाई आर बी आई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ये उसके अलावा डिफ्लेशन ये बाकी और कंसेप्ट है जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है इन्फ्लेशन में नहीं बट इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिफ्लेशन डिस इन्फ्लेशन स्टैकफ्लेशन रिफ्लेशन स्क्यूफ्लेशन सी पी आई इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन सी पी आई फूड इंडेक्स ये उसके बाद कैपिटल मार्केट में हम आते हैं कैपिटल मार्केट में हम पढ़ते हैं प्योर इंस्ट्रूमेंट्स हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स ये हो गए कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स उसके अलावा मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट गिल्ट एज मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जिसमें बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्हें सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं ये सेबी के बाद मनी मार्केट में हम आते हैं मनी मार्केट में आते हैं ट्रेजर बिल कमर्शियल बिल्स कमर्शियल पेपर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉल मनी मार्केट कैश मैनेजमेंट बिल सी uh, है ना इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है तो इतनी अगर आप चीज़ें चीज़ों का आप नॉलेज ले लेते हैं बेसिक बेसिक नॉलेज और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो इकोनॉमी होता है ये मेनली आपके जो भी टॉपिक से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी आप मैंने आपको जो जो टॉपिक्स बताया इसकी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है आप कहीं से भी उसकी बेसिक आइडिया ले सकते हैं जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं वो बुक से आप उसकी बेसिक आइडिया लीजिए है ना नाइन्थ से ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी भी बहुत काम करती है काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करने में काम करते हैं उसके अलावा काफ़ी सारे रेफरेंस बुक भी बताई जाती है अब देखिए ये बेसिक्स इनके कवर करते हैं और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए इनको अगर आप अच्छे से समझ लेते बिकॉज इकोनॉमिक जो है इंडियन इज़ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट आपको ये समझना ज़रूरी है यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करें तो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और समझने के बाद करंट अफेयर्स जो होता है याद रखिएगा जो करंट अफेयर्स होगा वो करंट अफेयर्स में ही मेनली आपका जो आपने बेसिक्स पढ़े वो प्लस करंट अफेयर्स बेसिक्स यानी आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े वो प्लस करंट अफेयर तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर इज इक्वल टू इंडियन इकोनॉमिक स्टडी है ना स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं है ना तो ज़्यादातर आप देखो कि करंट अफेयर को रिलेट करते हैं कंसेप्ट के साथ और आपको एक क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के साथ हमेशा अपडेट रहते चलिए और ये जो टॉपिक्स मैंने ना आप पढ़िए क्योंकि काफी लोगों को कन्फ्यूज होता है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए तो ये टॉपिक्स है आपको जो पढ़ने चाहिए आप इसे अच्छे से कहीं नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन कर लीजिए और ये टॉपिक्स जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहें उनको पढ़ के वहाँ से क्लियर कर लीजिए आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ऑल राइट सो ये है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आ, हमारा टॉपिक के डिस्कशन थे वो ये टॉपिक्स को आप कवर कीजिए ऑल राइट वैसे मैं एन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा इकोनॉमी की जितनी भी है तो यूट्यूब पे हम उसे डिस्कस करते रहेंगे एन सी को बट ये टॉपिक्स आप कवर करते चलिएगा ऑल राइट सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में सो so, अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ गुड डे टेक केयर एंड हैव अ गुड डे